अब मीम्स बनेगी मेरे भाई, इसे मेरे पास मैं तो कोई मौका नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं जनरली ये समझता हूँ और कुरान सुन्नत की रोशनी में मैंने साबित किया कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन थे। सिर्फ ये चंद नाम थे इस्लाम के, काम के बारे में कुरान में जगह जगह आया ना, कि जब वो आगे दावा देते तो कहते हमने अपने बुजुर्गों को इसी हालत पे पाया, हम अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ये चंद नाम है जो तुमने तुम्हारे बाप दादा में रख लिए, अल्लाह ने कोई किस्म नाज़िल नहीं किया। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ, साढ़े इस्लाम का मजाक है। अच्छा, इस पूरे एपिसोड के अंदर एक थोड़ी सी झुड़ दिखाई हमारे जो कराची के देवबंदी मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने सख्त अल्फाज के अंदर जो बिल्कुल ठीक अल्फाज थे बड़े अच्छे अंदाज में मुज़म्मत की फौरन उसी वक्त, जाहिर उन्होंने तो कैमरा सामने रखना होता है, अपना बयान जारी कर देना होता है, मैं तो पूरी एक सेशन का इंतजार करना होता है, उन्होंने उसी वक्त बयान जारी किया। वो बयान जब जारी हुआ तो उसमें उन्होंने लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहे थे, उन नारों को उन्होंने गलत नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि ये चंद जो पागल किस्म के लोग हैं, जो एक मजहबी परवर्टेड नेचर रखने वाले लोग जो इस तरीके से चढ़ दौड़ते हैं लोगों के ऊपर बगैर देखे, कोई बचपन में शायद इनके दिमाग पे कोई चोट लगी थी तो ये हो गया, तो वो उन्होंने उस अंदाज में बात की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपने देखा पंजाब में खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर ऐसा लग रहा है जैसे कि अरबी में लिखा हुआ है, कुछ हलवा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ मदबी जुनूनी लोगों ने उनको मारने की कोशिश की, इस बेस पर कि ये पुरानी आयत लिखी हुई है और ये मोहतरमा कुरान की इस्लाम की तौहीन कर रही है। इस मौके पर कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ दो तबके हैं इस वक्त जो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचे हुए हैं, एक तो मदबी जुनूनियों का पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहा था, एक तो मदबी जुनूनियों का पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहा था, एक तो मदबी जुनूनियों का पागलों का तबका है जो आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लग रहा था। ये वो मदबी जुनूनी और पागल लोग हैं जो शायद एंजाइटी के मरीज हैं, डिप्रेशन के मरीज लोग हैं, जो सेंसलेस लोग हैं, कोई बचपन में इनको दिमागी चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो गया इनके साथ, हर जगह ये तौहीन तलाश कर रहे हैं और मारने धरने पर आ जाते हैं, और ये इनका कसूर नहीं है, हकीकत ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो जुनूनी हैं और पागल हैं, दिमाग खराब हो चुका है उनका। तो रेलियों के जो मौलवी हैं देखें, उन्होंने उनके कत्ल के फतवे जारी कर दिए, उन्होंने कहा तू अपने घर से नहीं निकल सकता और हम कराची पहुंच रहे हैं, तू अपने घर से निकल के बता। मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लबैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं, जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, ते बाकी इंशाल्लाह तेरी तबीयत कभी आमना सब। मैं दो तीन मरतबा मैंने फोन किया है, वो फोन नहीं ना चुकता, उन्होंने पता है मजहबी जुनून वाले हैं ना, कराची कोई दूर तो नहीं है, दो पौने दो घंटे पहुंच जाते हैं, आमना सामना होया मैं तेन लाइव दसंगा मजहबी जुनून की होगा, लाइव तेन दसंगा देखते, चलो मेरे नाल कोई चला जाता कराची में कल ही जाता, मैं तेन कल ही दसंगा मजहबी जुनून क्या कहते हैं। ये वलीद बिन मुगीरा की औलाद में से है, ये अबू जाल की औलाद में से है, तू तू की समझदा है, तू गल करके छड़, तू लुक जाएगा, तेन लपै कले करो बाहर नहीं निकलन देंगे। बस ये वीडियो आनी थी, मुफ्ती साहब की बात निकल गई। अब मैं इन मुफ्तियों से और इनके जो फ्रंटमैन लोग हैं यूट्यूबर्स या मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उसे पूछूंगा कि अगर फिरका वारियत मसला नहीं है तो जाओ ना, हिम्मत बनाओ ना अपने मुफ्ती की, इन्हीं फिरकों के फ्रंटमैन हो ना तुम लोग, जाओ अपने मुफ्ती की हिम्मत बनाओ। हवा ऐसे निकली कि पहले तो उन्होंने वो जुमले अपने काट दिए, ऑनलाइन एडिटिंग भी हो जाती वीडियो में से, फिर भी गालियां नहीं रुकी, फिर सेकंड स्टेप लिया उन्होंने उर्दू में नीचे कॉमेंट स्पिन किए लिख के हम पीएलपी वालों को नहीं कह रहे थे प्लीज, और मिनते मारी उन्होंने, वो मैं साथ डिस्प्ले करूंगा वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, फिर भी उनका गुस्सा नहीं ठंडा हुआ, अल्टीमेटली उन्होंने वीडियो गायब कर दी यूट्यूब से जी। 364,000 लोग वो वीडियो देख चुके थे, उन्होंने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया पब्लिकली, अब नजर नहीं आती सवाए उसके जिसके पास उस वक्त का कोई लिंक है, क्योंकि उन्होंने अनलिस्ट किया। इंशाल्लाह मैं आपको अगली पिटीशन करूं, प्राइवेट भी उसे कर देंगे, तो फिर आपके पास लिंक भी और नहीं खुलेगी, यानी पहले कटिंग की उस पर भी तसली नहीं हुई, फिर कमेंट्स किए उस पर भी तसली नहीं हुई मुखालफीन की, और अल्टीमेटली उस वीडियो को पब्लिकली उन्होंने गायब करके अनलिस्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, जो लोग हमें समझाते थे कि जी इंजीनियर साहब पे 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट इसलिए हुई है कि इंजीनियर साहब की बात करने का दास दुरुस्त नहीं है, तुम्हें तो आता है ना, हाँ बस निकल गया, इन्फेक्शन का तुम्हें इलाज मेरे पास है, मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, नसे तू चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, शिमली रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, नसे तू, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना खदमे रबूत की कास के साथ ना दीन के साथ, इनको इस तरह ललकारे, ये मुझसे सहमे में क्यों है, आप समझते ना मीठे अंदाज में, मैं तो पहले से कह रहा था कि मामू पार्टी तुसी जरा मीठे अंदाज में समझा के देख लो, इन्हें मीठे अंदाज में क्या दो जुमले बोले हैं, वीडियो से भाग गए, अपनी वीडियो से भाग गए, बस ये जी टोटल ये झूठ है जी। अब मुझे बताएं, अगर मुझे आके आपको समझाने की कोशिश करें कि इंजीनियर साहब का दाद रूस नहीं है, इंजीनियर साहब को बात करने का पता नहीं, और मुझे तो पता कैसे बात करनी है, कैसे दबके हो जाए, क्या तमकनत होती थी बरेलियों की, चौराहों के ऊपर खड़े करके ये भाभियों को अहले हदीस को देवबंद को गुस्ताख रसूल कहते थे, आज हमारे स्टूडेंट से मुंह छुपाते फिरते, बड़ा बुरा वक्त आया जनाब, बहुत बुरा वक्त आया, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ही होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही सामना होगा तो वो जख्म पर ये चीला शुरू कर देगा, चिश्ती रसूलुल्लाह, शिमली रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह और बाकी जो इनके बुजुर्गों ने जो गुस्ताखियां की हैं, इनका इलाज ये है। और ये डॉक्ट्रिन 2009 में मैंने लॉन्च इसीलिए की थी, मुझे पता था कि जो मैं खतरनाक काम करने जा रहा हूं ना, यानी लोगों को कुरान सुन्नत सिखाने जा रहा हूं, इन्होंने कुरान सुन्नत को करना साइड पे मेरे ऊपर गुस्ताखी के इल्जाम लगाने, मैं शुरू ही बिल्ली मार दी थी, हाँ ये मेरा ट्रूथ है जो मैं पब्लिकली इस वक्त आपके सामने रिवील कर रहा हूं, और मेरे करीबी साथियों को पता है मैंने उसी वक्त अंदर दुन पैरवी का अंजाम लिखा, फिर 2012 में 71B मसला रिकॉर्ड करवाया, उसके पीछे पहला एम यह था कि इनकी बिल्ली में मार दो, ये दूसरा एम था कि आपको बताया जाए कि इनके बुजुर्गों ने क्या काम डाला, असल में मैं चाह रहा था कि मैंने एक शील्ड ऐसी कायम करनी है कि मेरे तक पहुंच ना सके, तो देखा कैसे नशे ने
अल्हम्दुलिल्लाह काबू आए ना कि नहीं? यही नहीं, अभी और सुनिए। इस पूरे इशू में आपने एक चीज शायद नोट की हो, हमारे स्टूडेंट्स ने तो कर ली होगी, बाकी लोगों को नहीं पता चला, कि जब वो उस सिस्टर को बिठा के उससे मुआफी वाला मामला करवा रहे थे, तो वो जो टीएलपी वाला मौलाना साहब बैठा था वो उसके कान में कह रहा था कि तुम कहो कि मैं सुन्नी हूं। सुने? आप मुझे बताएं, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो मोटिवेशनल स्पीकर जो हमें ये कहानियां करवाते हैं कि जी फिरका वारियत तो इंजीनियर साहब खत्म हो चुकी है, ये आपकी वजह से फिरका वारियत बाकी है। पाकिस्तान में फिरका मेरे ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे बैठे हुए मौलवियों को मैंने कहा था कि तुम ये फिरका वारियत वाला लुच तलो, क्योंकि वो टीएलपी वाले बोलना को यह अंदाजा हो गया था कि मैं तो अकेला बैठा हूं, ये जो मेरे साथ तीन चार खड़े हैं तो सारे लंबी दाढ़ियों वाले हैं, कल को क्रेडिट जो है वो भाभियों के खाते में डाल जाना है। ठीक है, तो मैं इस औरत के कान में कहूं कि तुम कहो कि मैं सुन्नी हूं यानी बरेलवी फिरके से हूं। फिर उसने कह भी दिया बेचारी ने, उसके कहने के बाद उसने कहा और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नऊज बिल्ला हम सोच भी नहीं सकते मुसलमानों के हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी वसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है, मैं खुद हम लोग दिल्ली के घराने से हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी और मैंने ये जो भी हुआ ये इल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा से कभी नहीं होगा। और ये कह रहे हैं फिरका वारियत को मसला नहीं। Despite that, मैं इंजीनियर साहब को ये मशवरा जरूर दूंगा कि वो हर चीज को फिरके के पर्सपेक्टिव में ना देखें, ये इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे भाई। मुसलमानों का वाहिद अगर कोई मसला है ना बड़ा तो फिरका वारियत है, बाकी सब इसकी कॉरोलरीज हैं। हाँ जी, वो गैर मुस्लिम साजिश कर रहे हैं सरकार, गैर मुस्लिम साजिश कर रहे हैं, साजिश मुसलमान कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, और गैर मुस्लिमों का तो काम है ये साजिश करेंगे। ये तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि हमने इंसानों और जिन्नों में शयातीन ऐसे रखे हैं जो अंबिया इकराम और उनके मानने वालों के ऊपर मुसल्लत होते थे, इस हवाले से कि उन्हें वो तकलीफें पहुंचाते थे, उनकी दावत के आगे हड़ल खड़ी कर देते थे, ये उनकी आजमाइश हुआ करती थी। फिर अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को बचा लिया करता था, अपने नेकों की हिफाजत किया करता था, लेकिन वो अपनी साजिशें करते थे। तो उन्होंने तो साजिशें कर दी है, इस चीज का रोना रोया जाएगा कि हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, रोना इस चीज का रोया जाएगा कि हमारा मौलवी, हमारा मुफ्ती, हमारे सो कॉल्ड बुजुर्गाने दीन के इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और किस तरीके से फिरका वारियत को ये फूंके मारते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते। तो मेरे भाई, मैंने आप सारे उलमा को, मुफ्तियों को, मोटिवेशन स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, खुदा के लिए आप लोग व्लॉग्स बनाया करें। हां, दही निकालने का सुन्नत तरीका, केला रखने का सुन्नत तरीका, खीरा काटने का सुन्नत तरीका, हाँ इसी तरीके से मुख्य मुल्कों में जाके वीलॉग्स बने, दीन का काम खुदा के लिए आप लोग छोड़ दें। अल्लाह के फजल से हम है ना, वैसे भी हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिसके बाद नहीं किया, या तो फिर हमारी तरह बात करें, अदरवाइज मुराफ छोड़ दें। आप लोग अपने दो तीन झूलों का बार नहीं उठा सकते हो, देखें मैंने सारे फिरकों को ना उठाया, पैसे भी क्वेश्चन के अंदर फेंक दिया, सारे बुजुर्ग के अंदर फेल हो गए। आप लोगों को इन्होंने ना इश्ताल दिलाया था, वो हर मिजवी साहब भी 2017 के दिनों में जनाब चीख चीख के इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए, हाँ कि गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही, उम्मत भी बेचारी सहमी हुई थी कि यार बाकी हमें मर जाना चाहिए, कि यार फ्रांस में गुस्ताखियां हो रही हैं, फला जगह हो रही हैं और हम कुछ कर नहीं रहे। मैं उम्मत ने कभी नहीं पूछा कि खादिम साहब ये धरना लेके आप लाहौर से आए और लाहौर में शबीर ब्रदर्स कुरान पब्लिकेशन से चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहा है, शबीर रसूलुल्लाह छाप रहा है, कश्मीर मजू की गुस्ताखाना इबारतें साहब और सुकर वाली छाप रही है, ये सारे बकवासियात तस्करतुल औलिया के प्रिंट हो रहे हैं, उधर भी धरना दिया जी इमाम मालिक फरमाने उम्मत मर जाए, कि नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत बदला नहीं दे रही। इमाम मालिक फरमाने था फिर उम्मत जिंदा क्यों है, मर जाए सारी, ये मर जाए सारी, पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रखे, बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो देखे फिर मैंने कैसे कहा, मैं बाबा जी छोड़ दो, अच्छा अच्छा बाबा जी आ जा, पहले तेरे बाबे मर जाए, घोष कुतुब अफजल जिनकी ड्यूटी है, तुम लोगों ने कहानियां करवाई थी कि घोष या किल्ली है, उन्हें संभाले सारा कुछ ना, सही तुम्हें पहले 295 सी उस घोष कुतुब अफजल के ऊपर लगनी चाहिए जिसकी ड्यूटी है वहां पे, जहां पे यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी है कि नबी इस्लाम की गुस्ताखाना वीडियो उसमें सेव है और वो निगाह मार के वो हार्ड डिस्क को जला के राख नहीं कर रहा, तेरे घोष कुतुब अफजल क्यों ना मर जाए, उम्मत क्यों मरे, उम्मत बेचारी कुछ नहीं कर सकती, तेरे बाबा मर जाए, बल्कि मुझे कहना चाहिए कुत्ते की मौत मर जाए कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां हो रही है और वो तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि वो कर सकते थे, उम्मत का कोई सूली, उम्मत बेचारी कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने रिटायरमेंट डाली बाबे ने, पहले बम फटते सन कब्र तो निकल के डाइव लगा के रावी से बोलते दरबार जाके ठोके टूट गया बंदा बम, 55 लोग शहीद हो गए, वो बाबे को हाथी से कैच ड्रॉप हो गया और बाबे फेल हो गए ने, यार मेरे घर की वजह से गायब हो गया, ठीक है कुछ अरसे के लिए मैं इतना बैठ जाता हूँ, बाबे तो पहले भी कोई नहीं था, सब झूठ है, कोई झूठ नहीं करता था, इनको ललकारता नहीं था कोई, इसलिए आप लोग भी संभालना पड़ते थे, आप लोग इनकी मीम्स बनाते हैं, हाँ अब मीम्स बनेंगे, ये तुम्हें सजा मिली है, ध्यान में रखना, तुमने 1200 साल तक अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर चंदे खाए अज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के और मदीने की आवाजें लगा के तुमने सवारियां बगदाद में, अजमेर में, देवबंद में, बरेली में फेंकी है, जदादे बनाई है तुमने अल्लाह उसके नबी के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देख लो अल्लाह ताला ने तुमसे कैसा बदला लिया, 1200 साल की इज्जत को सिर्फ 12 सालों के अंदर मलिया बेटा करती है, हमारा एक नारा ने लेट हुआ मैं नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, अब ये नारे मेन मीडिया पे चल रहे हैं, देखें वो हकीकत जिसे तुम अंधेरे में भी कहने से डरते थे एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी, देखें दिन के उजालों में बातें हो रही है, अब तो ये उर्दू का मुहावरा है बाबे थे शाही कोई नहीं, वो हमारे बिलाल कुतुब भाई ने कहा ना जब पिछले रमजान के अंदर, तो जैसे कहते हैं कि बाबे थे शाही कोई नहीं, हाँ ये उर्दू का मुहावरा है अल्लाह के फजल से,
और ये कोई गुस्ताखी नहीं है, इन्होंने आपको एक झूठी कहानी कराई थी ना कि बड़े से बड़ा गोस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक को नहीं पहुंच सकता, तो खुद ही कह रहे थे बाबे शाही कोई नहीं, तुम ये कहते थे ना कि साहबी के घोड़े के कदमों की खाक जैसा है ही कोई नहीं, गोस कुतुब अब्दाल शाही कोई नहीं, एक कहानी कराते सुना तुम, मेरा तो मेरा बहुत सॉफ्ट है, मैं तो कह रहा हूं नबी के जैसा है कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं, कहते साबित करो, साबित करता दो सामो तुम्हारे बुजुर्गों से साबित कर दिया, और कुरान और सुन्नत की तो थीम यही है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, जो बाबे नबी के मुकाबले पे आएंगे और जो बाबे नबी के वफादार है देख लो उनकी इज्जत यह है कि मैंने अपने अबा अजदाद की कोई चीज अपने टेबल पर नहीं रखी, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ये हैं हमारे बाबे, उनकी किताबें हमने सजा के रखी है 1200 साल बाद, उनकी लेगेसी उनकी औलाद नहीं लेके चल रही, हम लोग लेके चल रहे हैं, हम उनकी बिगॉटन औलाद भी नहीं है, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के खद्दार है उन बाबों को हम नहीं मानते, और ये बड़ी खिदमत है बुजुर्गों ने दी थी जी, गोरा शरीफ की बड़ी खिदमत है कि हमने प्रिंटिंग प्रेस बनाया वरना आज कुरान बुखारी मुस्लिम हमारे पास ना होता, नहीं वो गलत ठीक है लेकिन उनके कीदे ठीक नहीं, हाँ बुजुर्ग ने भी कीदे ठीक नहीं, नहीं काफर है ना, नहीं मुसलमान भी है डॉक्टर जाकिर नाइक, हाँ सैकड़ों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया डॉक्टर जाकिर नाइक, क्यों सुल्तानुल हिंद 90 लाख को कलमा पढ़ाया, छोड़ दो 90 लाख को उस टाइम सब कॉन्टिनेंट की बात ही नहीं थी 90 लाख, झूठे हो चलो वो तो हुआ या नहीं हुआ छोड़ो, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैकड़ों हिंदुओं को इस मॉडर्न दौर में कलमा पढ़ाया, गरीबुल वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, कुर्बानियां दी हैं, मानो ना उन्होंने सुल्तानुल हिंद, कहते नहीं नहीं उसके कीदे ठीक नहीं, तुम्हारे बाबा भी कीदे ठीक नहीं, आप तो मेरे भाई सुल्तानुल हिंद छोड़ दे, आप तो सुल्तानुल वर्ल्ड आ चुका है अल्लाह के मदद से, बताओ के बाबा ना सही तो वो तुम्हारे बुजुर्गों ने मजारा होते थे 50-60 रुपए लेने ने जुती दा और टोकन दे, हमारे यहां पे आते हैं सैकड़ों लोग 1 रुपया भी किसी से लेते खिलाते अपनी जेब से, आप बताओ बड़ा दाता कौन हुआ फिर, वो दाता बड़ा हुआ कि जहां आपको जूती की फिक्र लगी हुई है, यार बुजुर्ग क्यों हिफाजत करते जूतियों की, कहना जी वो एक चोर दरबार बड़ा आना हो गया ऐसा जूतियां रखो बार में तकना कौन आना होता, बल्कि सारे मुजावरे टाओ तुम्हारे सारे चंदे भी उखाड़ के ना वो पूरे बॉक्स उठा के लोड करके लोग ले जाएंगे, कोई भी नहीं आना होगा, सुना नहीं दरबार तो चंदा चुके आना होगा, तुम दरबार से खाली करो ना, मैं बंदा भेजना वहां आना होता है, कोई सब कहानियां कराइए थे, अब मीम्स बनेंगी मेरे भाई, हाँ ये ज़हन में रखना, मैं तो कोई मौका नहीं जाने दूंगा क्योंकि मैं जनरली ये समझता हूं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैंने साबित किया कि ये लोग इस्लाम के दुश्मन थे, सिर्फ ये चंद नाम थे जिस अंबिया इकराम के बारे में कुरान में जगह जगह आया ना कि जब वो आगे दावा देते तो कहते हैं हमने अपने बुजुर्गों को इसी हालत पे पाया है, हम अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ दें, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ये चंद नाम है जो तुमने तुम्हारे अबाउदाद में रख लिया, अल्लाह ने कोई किस्म नाजिल नहीं किया, इंजीनियर साहब हाथ वाला रखा करें, वो देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था फिरौन के पास जा रहे हो तो बात नरमी से करना, बिल्कुल बात हमने नरमी से की अल्लाह के बदल से, जब तुम हमें कुरान और सुन्नत बयान करने के ऊपर गुस्ताखी रसूल कहोगे फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ज़हन में रखना, और दूसरी बात तुम अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम की बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं मंसूब करते हो, हमारा दीन तो दीन इब्राहिमी है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुम मुस्लिमीन, देखो मेरे जो जद्दे अमजद थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बारे में तो कुरान गया, जब उनके अब्बे ने कहा ना कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनका तो बड़ा गुस्ताख हो गया, और सूरह मरियम के अंदर भी और सूरह अनबिया में तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, हजरत इब्राहिम ने जब जवाब दिया उनका आम तुम वाबाउकुम फी दलालिम मुबीन, अब्बा जी तुसी भी तुम्हारे सारे बुजुर्ग बाबे सारे गुमराह सर, कहते हैं इंजीनियर साहब किसकी जुबान बोल रहे हैं, जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान बोल रहा हूं, हां कुरान में लिखा हुआ है तुम भी तुम्हारे सारे बुजुर्ग गुमराही पे थे, ये इब्राहिमी जुबान है अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह।